अगर आपको पार्लर जाना पसंद नहीं और फेशियल भी करवाना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ये देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ स्मूथ और सिल्की स्विल्की बिल्कुल नेचुरल ग्लो हमारे फेस पर आ गया है और भी हमारे फेस पे जान डाल दिया है इस फेस पैक ने। तो आइए आप भी ट्राई कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्डिंग का काम चालू और इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ। सो इसके वजह से मैं बोली कि जाती हूँ मैं अपनी अम्मी के दर पे, वहाँ पर ही जाती हूँ। चलो माय गॉड, अभी तो लगता था मेरे को यार। नो गंदी बात मारू नहीं ना। चलो तब चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। बॉल भी पकड़ी है, सब पकड़ी है सड़ेली। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ऐशा। सो गाइस, कैसे आप सब आ गई मैं आज एक और न्यू एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ में। तो बने रहे आप लोग मेरे ब्लॉग के साथ में और मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ पे। सारा बोली को बैट और बॉल लेके उतर रही है सीढ़ी। अभी हम लोग जाते हैं गाइस अम्मी के इधर, क्योंकि मैं सो नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। तो अम्मी के इधर जाते आज इसको बैट और बॉल खेलने का लाने के इधर ना बेटा। देखो इधर, जब मम्मा कैमरा चालू कर दे तो कैमरे में देखने का। कहाँ देखने का? चलो तो ये देखो गाइस, सारा अपने आप चलने लगी है, हाथ नहीं पकड़ती है मेरा, धीरे धीरे चल रही है अपने आप ही। अब बैकग्राउंड को गाइस इग्नोर करो। स्कूल जाने के लायक होने वाली है गाइस मेरी बेटी, इसको मैं डालूंगी अच्छी जगह पे। ये देखो कितनी आवाज़ हो रही है, बहुत आवाज़। और ये हमारे यहाँ की चक्की की दुकान। तो हम लोग आ गए गाइस। तो ये देखो गाइस, ये सो रहा है और ये गेम खेल रहा है गाइस, पैसा कमा रहा बैठे बैठे। और अभी अम्मी की इधर तो सोए हैं अम्मी, सारा को अभी फलक नहीं दिखी है, यहाँ पर अम्मी सो रहे हैं। सारा एक बार बोलूँ, एक बात पूछू, बताओगे नानी को क्या बोलते हैं? नानू को और मेरे को और डैडू को अम्मी। अब डेडा को इरफान को क्या बोलते हैं? डेडा। अच्छा, इसको मालूम है। और इसको क्या बोलते हैं जो आया सो के उठा, इसको क्या बोलते हैं? बाबू। ओह माय गॉड, सबको जानती है ये तो। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको थोड़े टाइम में। गाइस ये आप लोग देख सकते हैं, जब ये सोकर उठता है और जब इसका दिमाग काम नहीं करता ना, तो ये कुछ अजीब गरीब हरकतें करता है। और उसके ऊपर मेरी सारा बैठ के घोड़ा बनाई है उसको, मामू को अपने। तो यहाँ पर देखो ये अजीब गरीब हरकत कर रहा है, इसको क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस ये छोटा घोड़ा बना हुआ है अभी। क्या कर रही बेटा, क्या कर रही? टिकड़िक टिकड़िक करो। ओ माई गॉश, ये देखो गाइस यही है वो बालक, पाली पनीर पालक अलक निरंजन, हाथ में मंजन। ये देखो गाइस लेटर। तो गाइस दूसरे दिन का व्लॉग है ये, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सो मैं अभी जा रही थी नहाने के लिए, तो मैंने सोची कि चेहरे को थोड़ा सा फ्रेश भी रखना है, जो कि मैं हमेशा रखती हूँ। और मैं पार्लर वगैरह में नहीं जाती हूँ, आप लोग ने मेरी वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता है कि मैं पार्लर वगैरह में नहीं जाती हूँ। फेशियल वगैरह मुझे खुद को आता है करने, पर मैं खुद नहीं करती हूँ अपने फेस पे, मुझे नहीं जमता नहीं है। फेशियल जैसा ही मैं कुछ अपने लिए लेकर आती हूँ, सो मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग फेस होता है हमारा, जो कि आप लोग मेरा फेस देख सकते हैं, मैं कोई मेकअप वगैरह नहीं लगाई हूँ। तो चलते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लेती हूँ आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो चलो चलते हैं साथ में, ब्लॉग के साथ में बने रहे और मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सो सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ, मतलब धो लेती हूँ फेस, फिर मैं मिलती हूँ।
तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना फेस क्लीन करने के लिए, और मैं साबुन से नहीं धोऊंगी क्योंकि मैं सुबह उठी थी, नाश्ता करने से पहले मैंने अपने फेस को वॉश की थी। सो अभी फ़िलहाल मैं वॉश कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि कोई भी क्रीम हो गई अपने घर की या दुकान की, तो वो लगाने से पहले हमें अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। आप साबुन से करें, फेस वॉश से करें, जैसे आपको करना है वैसे आप करें। सो मैं ज़्यादातर साबुन वगैरह अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं लगाती हूँ फेस पे साबुन वगैरह, कभी कभार मैं फेस पे साबुन यूज़ कर लेती हूँ। सो फटाक से मैंने अपना मुंह धो ली हूँ, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या किन किन चीज़ों से अपने फेस पैक को बनाऊँगी और आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। अब यहाँ पर ले लेते हैं कटोरी, उसके अंदर लेते हैं एक चम्मच चावल, फिर लेते हैं थोड़ी सी हल्दी। हल्दी लेने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर का जूस। टमाटर के जूस को डालने के बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हनी। हनी मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी, थोड़ा सा ही यूज़ करूँगी, समझो गाइस आधा चम्मच ही मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आधा चम्मच यूज़ करूँगी इसमें। अब इसमें मैं डालूँगी रोज़ वाटर। रोज़ वाटर मुझे इतना डालना है कि ठीक हो जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है केसर, अगर आपको केसर नहीं डालना तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हो, मेरे पास था तो मैंने डाल रही हूँ इसमें। सो केसर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है गाइस, चाहे वो पेट हो चाहे वो खूबसूरती हो, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। मैं भी एकदम शुद्ध हिंदी बोलने लगी, पागल हूँ ना मैं थोड़ी सी। तो यहाँ पर रोज़ वाटर डाल दी हूँ। रोज़ वाटर डालने के बाद में अब इसको अच्छे से मिक्स 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 कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में हमारा फेस पैक तैयार हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि गाइस आप लोगों ने देखे, मैंने फेस को क्लीन करके आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पर फेस पे जो भी हल्का है पानी उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, और पानी को साफ़ करने के बाद में फिर मैंने जो पैक बनाई वो पैक को मैं अपने फेस पर लगाऊँगी। सो ये देख सकते हैं फेस पैक तैयार हो गया। यहाँ पर मैं थंबनेल के लिए क्लिक कर रही थी फ़ोटो। सो अभी इसको हम लोग लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें नीचे से शुरू करना है, मींस अपनी जो दाढ़ी वाला एरिया है वहाँ से हमको उसको स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करते करते हमें ऊपर की तरफ जाना है। कभी भी याद रखना गाइस, चाहे आप मेकअप करो, चाहे कोई भी क्रीम यूज़ करो, मसाज करते हो, फेशियल करते हो, ब्लीच करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप लोगों को नीचे की तरफ से कभी नहीं मसाज करना है, आप लोगों को ऊपर की तरफ से ही करना है। उससे ये होता है कि हमारा जो स्किन है वो खींचा खींचा हुआ रहता है, झुर्री नहीं आती हमारे स्किन पे। सो अभी इसको मैं अपने फेस पे लगा लेती हूँ, और एक भी कोने में मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे पूरी तरीके से अच्छे फेस पे लगाना है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं आज वापस से अपने फेस पे कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत है फेशियल की, जो कि मैं नहीं करती हूँ। मैंने आप लोग को जैसा कि शेयर करी हूँ, तो अभी यहाँ पर जब फेस पे लगा रही हूँ तो हाथ को भी तो सफाई करनी ज़रूरी है ना गाइस, तो यहाँ पर हाथ को भी चमका लेते हैं साथ में। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ तक का वीडियो देखे हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना ज़रूर। 5 मिनट हो गए हैं फेस पैक लगा के, अब हमको करना है मसाज, तो मसाज कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताई हूँ कि हमें ऊपर की तरफ से करना है मसाज, नीचे की तरफ से नहीं करना है, तो अच्छे तरीके से फेस पे मसाज कर लेते हैं। और गाइस मसाज करते करते मेरा हाथ स्लिप हो गया, हाथ स्लिप होने के बाद मेरी आँख में लग गई उंगली, और इसमें शहद था इस वजह से मुझे आँख में थोड़ा सा जलन जैसा हुआ, पर कोई नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो बनता है, क्योंकि कैमरे में देखना उसके बाद शीशे में देखना, तो समझ रहे हो आप लोग, समझ सकते हो मेरी परेशानियाँ। तो बहुत अच्छा मेरा इसका एक्सपीरियंस है गाइज, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको भी फेशियल करवाना पसंद है और आप पार्लर में नहीं जाना चाहते तो आप घर पे ही कर सकते हैं, अपने हाथों से कर सकते हैं। जब हमें खुद आता है तो हम क्यों फालतू में पैसा खर्चा करें, सेम रिज़ल्ट ये सारे इंग्रेडिएंट भी हमें देती है। सो ये देख सकते हैं आप लोग, तो मैं अभी अच्छे तरीके से फेस पे मसाज कर रही हूँ, और इस मसाज को मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है गाइस। तो फाइनली यहाँ पर मैंने फेस पैक को रिमूव कर ली हूँ, अभी यहाँ पर मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करती हूँ, और आप लोग देख सकते हैं गाइस माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, और अब ये ग्लो तो रहने ही वाला है गाइस। आप चाहे मेकअप करो या मत करो, आप लिप ग्लॉस लगाओ और चले जाओ। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ डॉक्टर का मॉइस्चराइज़र, जो कि मैं नाइट में भी यूज़ करती हूँ, और
नाइट में मैं कौन सी क्रीम यूज़ करती हूँ गाइस, अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग ढेर सारा कमेंट करें तो मैं आप लोग को बताऊँगी कमेंट के ज़रिए कि मैं कौन सी क्रीम यूज़ करती हूँ नाइट में। सो यहाँ पर मैं अपने हाथों में और अपने फेस पे अच्छी तरीके से लगा लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं लगाऊँगी सनस्क्रीन। मैं क्रीम अवॉइड करूँगी, मैं क्रीम नहीं लगाती हूँ, कहीं मुझे जाना होता है तो ही मैं लगाती हूँ, नहीं तो नहीं लगाती हूँ। सो सनस्क्रीन सबसे बेस्ट क्रीम होती है जो कि ओवर नहीं होती और अपने फेस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है, तो इसके वजह से मैं अब इसको लगा लेती हूँ। इसको भी सेम प्रोसेस हमें अपने फेस पे अच्छे से लगा लेना है और फेस पे लगाने के बाद में मैं अभी अपने फेस पे थोड़ा हल्का सा लगाऊंगी लिप ग्लॉस, तब जाके हमारा फेस एकदम क्लीन क्लीन और खूबसूरत सा लग रहा है ना गाइस, स्किन के अंदर जान आ गई है। तो आप लोग भी ट्राई करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूले, हिट द बेल आइकन। अल्लाह।